हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम है आपका योद्धा बैच में और आज हम लोग इस चैप्टर को यानी रूरल डेवलपमेंट चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से एंड कर देंगे और आज के टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आना तय है यानी चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो बट एक क्वेश्चन पक्का आएगा आज ही क्लास में तो वीडियो एंड तक देखना और अच्छे से समझना बड़ा पार्ट नहीं है छोटा सा पार्ट है लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा इसमें से एग्जामिनेशन में ठीक है स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर फोर डायफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैं आपको शुरू से ही इस चैप्टर में बता रहा हूं सिर्फ हमें खेती बाड़ी पर एक्टिविटी भी प्रमोट की जा सकती हैं रूरल एरिया में जिससे किसान को एक एक्स्ट्रा इनकम मिले और क्लास सिक्योरिटी मिले कि ठीक है यार कल को अगर फसल अच्छी नहीं होती तो मैं कुछ और काम भी कर सकता हूं आज हम उन्हीं डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न सबसे पहली बात तो हमें क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन एक के बाद एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप उगाने चाहिए और द फार्मर ऑप्टिंग फॉर अदर नॉन फार्मिंग ऑप्शंस लाइक आज हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग एनिमल हस्बैंड्री इसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गया डेयरी हो गया मतलब कुछ ना कुछ नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए ऑप्शंस देना चाहिए रूरल एरिया के लोगों को और सरकार को सब्सिडी दे इनको इम्प्रूव करना चाहिए लाइक फिशरीज हो गया है ना एनिमल हस्बेंड्री हो गया ये सारी चीज़ें आपने गाँव में देखा भी होगा लोग खेतीबाड़ी के साथ साथ पोल्ट्री का काम करते हैं फिशरीज करते हैं या फिर डेयरी का काम करते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वो काम करते रहते हैं इसके साथ साथ कि भी खेती बाड़ी तो कर रहे हैं लेकिन हाँ साइड बाई साइड आप ये काम भी करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए और सिक्योरिटी के लिए

अगर आप खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ और काम भी करते हो तो उसके फायदे क्या क्या होंगे या क्रॉप रोटेट करते हो तो उसके फायदे क्या क्या होंगे मैंने डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर मीनिंग समझ गया आप अब इसके एडवांटेजेस को देखो सबसे पहला एडवांटेज रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर एज इट इंश्योर दैट द फार्मर डू नॉट लूज ऑल ऑफ देयर रिसोर्स इफ वेदर डज नॉट फेवर द क्रॉप प्रोडक्शन अगर फसल अच्छी नहीं हुई किसी भी वजह से मौसम खराब होने की वजह से या जो भी रीजन है उस वजह से अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कम से कम आप अगर डेयरी का काम कर रहे हो या आप पशुपालन का काम कर रहे हो या पोल्ट्री काम कर रहे हो हॉर्टिकल्चर कर रहे हो फिशरीज का काम कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हो तो सेफ रहते हो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है सिंस मल्टीपल क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम अ स्मॉल फील्ड द प्रोडक्शन इंक्रीजेज टेन फोल्ड विच इंश्योर इनक्रीज इन इनकम फॉर फार्मर अगर आप क्रॉप रोटेट करोगे तो एक ही फील्ड पर आप मल्टीपल क्रॉप भी उगा सकते हो जिससे आपकी इनकम दस गुना बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो ये बेनिफिट ही है थर्ड इज द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी क्राउडेड ऑलरेडी सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं रूरल एरिया में तो अगर आप कुछ और करते हो लाइक हॉर्टिकल्चर करते हो है ना तो उससे क्या होता है क्लास आप एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो और एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करते हो कल को आ, अगर आप काम कर रहे हो ना एक एक्स्ट्रा इनकम होती है और आप रोजगार भी मिलता है आपको तो ये फायदा है इसका द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर आप क्रॉप को डाइवर्सिफाई करते हो अलग अलग चीजें करते हो क्रॉप को रोटेट करते हो लाइज इन फैक्ट दैट इफेक्टिवली इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और जो पेस्ट इंसिडेंट जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना आप एक ही फसल उगाते रहते ना जमीन पर तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगने गोस पे वो हैबिट हो जाएंगे कीडमकौड़े उनके हैबिटेट बन जाएगा वो क्रॉप को रोटेट करते रहोगे ना कीडमकौड़े कम लाएंगे फसल की पैदावार बढ़ेगी और सोइल की फर्टिलिटी जो है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ये है क्लास सारे के सारे नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला एनिमल हसबेंड्री या स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं उसको देन पढ़ेंगे डेयरी देन पढ़ेंगे फिशरीज देन हॉर्टिकल्चर देन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इन्हीं पांच पॉइंटों क्लास हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा हमने इससे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को अच्छे से पढ़ लिया है ठीक है नेक्स्ट है एनिमल हजबेंड्री ये लाइव स्टॉक फार्मिंग आप इसे पशुपालन कहते हो क्लास यानी कि पशुओं को पालना जो भी गांव में भेड़ है बकरी है गाय है भैंस है बैल है जिसको भी पालते हैं It includes class breeding, rearing, and caring for farm animal. It provides livelihood to over seventy million rural farmer, seventy million. रूरल फार्मर को कहीं ना कहीं क्लास ये रोजगार प्रदान करता है इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में और लाइव स्टॉक के फार्मर के मामले में क्लास जो है ये लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन में बैल वगैरह आप देखते हो ना ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है कैरिंग एग्रीकल्चर इनपुट एग्रीकल्चर का इनपुट हो गया एग्रीकल्चर का आउटपुट हो गया उसको लेके यहाँ वहां जाने में बैलों का इस्तेमाल किया जाता है भैंस कभी गाँव में लोग बग्घी बनाते हैं एंड एनिमल लाइक काव आर यूज इन फील्ड ऑफ प्लगिंग यानी खेत जोतने के लिए आपने देखा होगा जो वो हल होता है उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है पोल्ट्री का लार्जेस्ट शेयर है लाइफ स्टॉक इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में क्लास लाइव स्टॉक के मामले में क्लास इंडिया टॉप पे आता है और साथ में लाइव स्टॉक में कौन सा लाइव स्टॉक सबसे ज्यादा क्लास पोल्ट्री मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं क्लास यानी कि मुर्गी पालन की तादाद सबसे ज़्यादा है ठीक है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आपको अच्छा पैसा कमा के देता है और फूड सिक्योरिटी मिलती है मुर्गी लोग खाते हैं अंडा खाते हैं या फिर आप चिकन खाते हैं ट्रांसपोर्ट फ्यूल न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आप जो अनाज उगा रहे हो सब्जियाँ उगा रहे हो फल उगा रहे हो यार उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है उसको विदाउट अफेक्ट करे ही आपको फूड सिक्योरिटी भी देता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी देता है क्लास आपको हेल्प करता है और ये है क्लास आपका एनिमल हजबेंड्री आई होप क्लास आप पशुपालन समझ गए होंगे okay? तो ये एक नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और नॉन फार्म ऑप्शन है तो रूरल एरिया के लोगों को अगर डेवलप करना है एग्रीकल्चर के साथ साथ उनको ये सब काम भी करना चाहिए इनमें से कोई काम करना चाहिए सो दैट वो अच्छे से डेवलप कर सके उनकी इनकम बढ़ सके और सिक्योरिटी भी रहे अगला है डेयरिंग डेरी <coughs> दूध का काम है अब गांव में जो लोग रहते हैं ना वो कॉमन है एक गाय, भैंस, बकरी, कुछ ना कुछ होगी जिससे वो दूध करते हैं, ठीक है? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर द वेरियस डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस फ्रॉम इट ऑपरेशन फ्लड लागू किया गया क्लास को बोलते हैं ध्यान रखना। ऑपरेशनल ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन इट वॉज स्टार्टेड बाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एन डी डी बी इन नाइनटीन सेवेंटी अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्रेन ऑल फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस मैंने अमूल का नाम लिया था ना तो गाँव में जितने भी फार्मर है ना वो अपने मिल्क प्रोड्यूस को लेके आते हैं अमूल को देते हैं अमूल उसको ग्रेड करता है प्रोसेस करता है देन क्लास अर्बन सेंटर्स में उसको कोऑपरेटिव के थ्रू भेज देता है फार्मर को अच्छी इनकम भी मिल जाती है क्लास और इससे क्लास इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर वन पर भी आ गया था वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको ऑपरेशन फ्लड और इंडिया मिल्क प्रोड्यूस में ऑपरेशन फ्लड के बाद नंबर वन पे आ गया था पूरे वर्ल्ड में क्योंकि पहले लोग गाय भैंस का दूध अपने लिए ही यूज़ करते थे बच्चों को पिलाने के लिए बड़े बूढ़ों को पिलाने के लिए यूज़ करते थे लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना स्टार्ट किया और अमूल को इसको बेचना चालू किया अमूल ने क्लास अर्बन एरिया में पहुंचाया इसको और इनको अच्छे पैसे भी मिले तो किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहा है एक तरीके से अमूल अगला है फिशरी विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बर्डन ऑन लैंड हैज़ इंक्रीज जिसकी वजह से फिशरी एक अच्छा ऑप्शन है क्लास नॉन फार्म एरिया लाइक केरला महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु आर प्रिंसिपल स्टेट्स इन इंडिया वेर फिशरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया तो इन स्टेट्स में काफ़ी फिशरीज़ मछली पालन किया जाता है और जो फिशिंग कम्युनिटी है ना जो मछली पालन करती है जो फिशिंग कम्युनिटी है वो बेसिकली ऐसी कोई चीज़ है जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं तो वो एक तरीके से जो पानी है वो उसको ना मदरलैंड मानते हैं पानी को और क्योंकि पानी है तभी मछलियाँ हैं तभी क्लास वो लोग मछली पालन करते हैं और उनको उनकी कम्युनिटी कुछ खास डेवलप नहीं कर पा रही और बहुत ज़्यादा उन पर कर्जा है और बहुत बार क्लास वो बहुत रिस्क पे लेते हैं लाइफ को अपने मतलब वो जा रहे हैं समंदर पे मछली पकड़ने के लिए आठ दस दिन तक क्या पता कोई तूफान आ जाए मर जाए वो तो पानी में रहते हैं तो रिस्क तो रहता ही ज़्यादा ज़्यादा ठीक है तो फिशिंग कम्युनिटी का खास डेवलप नहीं कर पा रही तो हमारी कंट्री में फिशिंग कम्युनिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है ठीक है अगला है हॉर्टिकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास सबसे ज़्यादा पैसा इसी से जनरेट किया जाता है बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो है एक आर्ट या साइंस है कल्टिवेटिंग फ्रूट और वेजिटेबल और ट्यूबर क्रॉप फ्लावर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट सो प्लांट जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसिस एंड प्लांटेशन क्रॉप ओवर टाइम देर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एरिया अंडर दीज क्रॉप दिस क्रॉप प्ले अ वाइटल रोल प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन बिसाइड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इकनॉमिक कंडीशन ऑफ मनी फार्मर एंगेज इन हॉर्टिकल्चर हैज़ इम्प्रूव बेसिकली जो लटाएँ वाले प्लांट होते हैं लटाएँ निकलती है ट्यूबर प्लांट जैसे खीरा हो गया ठीक है तो इस तरीके से फ्रूट है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स है तो ये सब महंगे बिकते हैं तो लोग अपने बाग में है ना कहीं ना कहीं अपने बाग में या फिर आंगनबाड़ी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हॉटिकल्चर काम करते हैं ऐसा गांव में आपने देखा होगा लोग फ्लावर्स उगाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल स्पाइसिस मसाले हल्दी ये सब चीज़ें लोग उगाते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा भी जनरेट होता है एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाती है और साथ में क्लास फूड सिक्योरिटी भी रहती है इसके अंदर इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर तो ये ना जो नॉन फार्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जितने भी आप पढ़ रहे हो लाइक फिशरी फिशरीज हो गया हॉर्टिकल्चर हो गया एनिमल हस्बेंड्री हो गया डेरिंग हो गया पोल्ट्री Oh, उसी के अंदर आ गया तो इन सब में से किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है एग्जामिनेशन में ठीक है वो इसमें इंपॉर्टेंट है एक अच्छा एक चीज प्रेजेंटली इंडिया जो है ना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल का इन द वर्ल्ड अगर मैं हॉर्टिकल्चर को कंटिन्यू करूं तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का पहला चाइना है वी आर इमर्जिंग एज लीडिंग प्रोड्यूसर मैंगो मैंगो तो आपको पता है क्लास जो है एक हमारा नेशनल फ्रूट भी है बनाना कोकोनट कैशनट ये हमारे यहाँ बहुत होता है फॉर इन्हेंसिंग द रोल ऑफ हॉटीकल्चर मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी कोल्ड स्टोरेज सिस्टम मार्केट लिंकेज अगर सरकार ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी ना रूरल एरिया में तो इनका हॉर्टीकल्चर का जो पैदावार है प्रोड्यूस आउटपुट जो है वो बढ़ेगा काफ़ी उससे इनकी इनकम जनरेट होगी और रूरल एरिया डेवलप करेगा और हम लोगों को भी ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेज फ्रूट है ना ये सब हमको सस्ता मिलेगा हॉटिकल्चर प्रोवाइड ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो महिलाएं भी बहुत ज्यादा रोजगार जनरेट कर रही है इस हॉटीकल्चर के थ्रू ठीक है बाकी आपको दो रेवोल्यूशन अभी वाइट रेवोल्यूशन में बता चुका हूँ आपको ग्रीन रेवोल्यूशन हम हरित क्रांति पढ़ चुके हैं पहले ही एक गोल्डन रेवल्यूशन है द पीरियड बिटवीन नाइनटीन नाइनटी वन टू टू थाउजेंड थ्री इज नोन एज द पीरियड ऑफ गोल्डन रेवल्यूशन इन इंडिया द गोल्डन रेवल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ हनी ध्यान रखना गोल्डन रेवल्यूशन हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए था मिल्क

खाना बनाने के लिए खाना पकाने के लिए जिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है एडिबल ऑयल स्पेशली मस्टर्ड एंड सीसम सीड्स टू अचीव सेल्फ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनने के लिए एडिबल ऑयल क्लास आपको रोज चाहिए कुकिंग में खाना पकाने के लिए खाना बनाने के लिए तो इसलिए क्लास येलो रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था एडिबल ऑयल के लिए बेसिकली फॉर मस्टर्ड और सीसम सीड तिल

कितनी फसल हुई किसके यहाँ कितनी फसल इस बार हुई इस तरीके से फसल का डिटेल रखने से फायदा यह है कल को मान लो सरकार को पता पड़ जाएगा कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है कहाँ पे फसल डाउन जा रहा है कहाँ पे फसल का रेट जो है ग्रोथ में जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन टू रिट्रीव एंड स्टोर एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन जहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू पूरा डेटा गाँव का रखा जाता है थ्रू एन अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टूल गवर्नमेंट हैज़ बिन एबल टू तो प्रिडिक्ट द एरिया ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी जिससे सरकार को जिससे सरकार को पता चल जाता है कहाँ पर फूड एंड सिक्योरिटी होने वाली है कहाँ वेलरेबिलिटी होने वाली है सो दैट क्लास वो उसको कहीं ना कहीं इमरजेंसी के टाइम से पहले ही रिड्यूस कर सके या इमरजेंसी में उसको प्रोटेक्ट कर सके इंफॉर्मेशन टेक्नो टेक्नोलॉजी सिंपल सी बात है गांव का पूरा डेटा कलेक्ट करके रखना स्टोर करके सरकार उसे एनालाइज करेगी किस गांव में या किस एरिया में फूड इनसिक्योरिटी नियर फ्यूचर होने वाली है तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये सारे के सारे जो आपने पढ़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हॉर्टिकल्चर है फिशरीज है डेयरी है एनिमल हस्बेंड्री ये सारे के सारे नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या आप इसके कला डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर कह सकते हो ठीक है फाइनली इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया आई होप आप चैप्टर नंबर सिक्स को अच्छे से पढ़ के समझ के दो दिन लो चार दिन लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता बट इसे अच्छे से याद कर लो ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड साथ में सी में भी क्लास आप इसे एक साथ अच्छे से रिविजन कर सको ठीक है तो ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया आई होप आपको अच्छा लगा होगा सीखने को मिला होगा कुछ और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना क्लास आपकी एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का तो प्लीज़ यार जैसा आप चाहते हो कि सब आपको मोटिवेट करें सेम क्लास विद मी तो आप प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय